गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कबीर बैद बुलाईया पकड़ के देखी बां, और बैद न बेदन जान ही मेरा करक कलेजे मां। सच्ची लगन जब भगत की बन जाती है उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, घर वाले जो भक्ति से अपरिचित हैं वो चिंतित हो जाते हैं, इस बच्चे का क्या हो गया, ना त्यूगणासा बोलता ना हमारे पास बैठता, एकांत में रहस है, खावा पी भी सीए करे है, कोई खास नहीं, ओढ़ने पहरने की रुचि इसने रही नहीं, तो घर वाले न सोचे हैं कि बच्चे का कोई गुप्त बीमारी होगी हो। तो डॉक्टर बुलाते हैं, पहले वैद होते थे नाड़िया, वो नाड़ी देखकर बांह पकड़कर चेक करते थे इसको क्या तकलीफ है। तो परमेश्वर जी अपने ऊपर ही अप आरती अप साज अप किंगर अप बाज अप ताल झां झनकारा आप नचे आप देख रहा कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप सुनाओ। तो परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर जी कह रहे हैं कि कबीर घरवाला ने वैद बुलाया और पकड़ के देखी बांह, और वैद ना बेदन जान ही मेरा करक कलेजे में, वैद मेरे दर्द को पहचान नहीं सका, मेरे तो कलेजे में करक हो रही है उस परमात्मा के लिए। तो पुणात्मा इसलिए आप जी को इतना प्यार किया जाएगा जो आज दास प्रयत्न कर रहा है, आपको सदग्रह दिखा रहा है, ज्ञान सुना रहा है। ये अभी तो आपको ऐसे लग रहा है जैसे इसमें कोई मिठास ही नहीं है, इसमें इतनी मिठास हो जाएगी लास्ट में, या मिठास बने इसतेंगी, फिर इतना आनंद आओगा फिर आपको जो परमात्मा के विचार सुनाया करेंगे। स्वाभाविक भी बीच में सत्संग हम सुनाते हैं वैसे सिंपल से, तो फिर इन सदग्रंथों के परिचित होने के उपरांत फिर आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। और अभी तो आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है, जो पुराने भक्त हैं वो तो जिसमें सत्संग सुनाया जाता है सिंपल वे से, तो उसी से उनको बहुत कसक शुरू हो जाती है। वो कसक तभी होती है जब आप ये परिचित हो कि जो संत वर्बली जो कह रहे हैं सच्ची से, और जो दास पहले बताया कि ये कह दे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, आपको प्रमाण ना दे रखे हो, तो मेरे द्वारा वो दिया गया जो ज्ञान इस दास के द्वारा आपके लिए व्यर्थ होगा और दूना दुख होगा हृदय में, अकीता गे नास्तिक दो रहे, ये तो ब्रह्मा विष्णु में इसको भी ऐसे बता रहे हैं। तो वो मिठास बनेगी फिर बाद में इस सत्य से परिचित होने के उपरांत। अब देखिएगा श्री शिव पुराण, ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता कौन है ये सिद्ध करने के लिए। ये शिव पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके संपादक कौन है श्री हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान प्रकाशक मुद्रक है।
इसमें देखिएगा रुद्र संहिता संक्षिप्त शिव पुराण प्रश्न नंबर 98 के लास्ट से शुरू करेंगे और ये है रुद्र संहिता 98 के लास्ट से। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अध्याय 5 खत्म हुआ, अंत हुआ रुद्र संहिता का और छठा प्रारंभ हुआ अध्याय। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को कहा, देव शिरोमणे तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा आदि आदि, उस समय तत् सद्ब्रह्म अपने आत्मोद्यान से देखना, कहते हैं सच्चाई चोर चुरावे तोमड़ी गड्ढे पानी में वह गड्ढे व उपराव न सच्चाई छानी ना। यहां क्या लिखा कि उस समय ये तत् सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ये सत यानी तत् सद्ब्रह्म, सद माने सत ब्रह्म, सत माने अविनाशी परमात्मा, उसमें केवल सत्पुरुष ही था, सत एकमात्र शेष था। अब ये मिलते बात तो शुरू करें वहां से और आखिर में ये फेस हो जाते हैं। अब ये है 100 नंबर, 98-99 का हमने निष्कर्ष ले लिया। और जिस परब्रह्म के विषय में अब यहां परब्रह्म कह रहा है, ज्ञान और अज्ञान पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान यानी कुछ सच्ची कुछ झूठी इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं। ब्रह्मा जी को नॉलेज नहीं है, लेकिन हमने इन पुराणों को इसलिए सहयोग लेना पड़ रहा है क्योंकि हम इनको सच्ची मान रहे हैं और इनमें भी बहुत कुछ मसाला हमें मिल रहा है। उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की, आकार बनाया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म, ये परम ब्रह्म यहां परम ब्रह्म है, वो परब्रह्म है, इसमें बहुत अंतर है। इस परब्रह्म में और परम ब्रह्म में बहुत अंतर है। उसकी मूर्ति अब ये ध्यान ला के छोड़ता है, उस परम ब्रह्म युग काल को बता रहा है ब्रह्मा। परम ब्रह्म माने परम अक्षर ब्रह्म, भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। एक समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया। अब आप जी को दास ने सृष्टि इतना सुनाई है, उसमें बताया था कि उस काल के अंदर से परमात्मा ने वह दुर्गा निकाली थी, और ये ज्ञान एक बार कबीर जी ने परमेश्वर ने आकर ब्रह्मा को बताया था, लेकिन ब्रह्मा ने कुछ सुना कुछ ना सुना, काल प्रेरणा से स्वीकार नहीं किया, लेकिन वो याद है उसका थोड़ा थोड़ा, वो बता रहा है। उस पराशक्ति को जो काल के अंदर से निकली थी, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह मन शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जबकि परमेश्वर कबीर जी ने इस काल के अंदर से दुर्गा को निकाला था जो उसने खा ली थी।
जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया दुर्गा को प्रधान भी कहते हैं, पराशक्ति भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, और बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसको प्रकृति, फिर दोबारा कहा है प्रकृति भी कहते हैं, सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, त्रिदेव रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी को उत्पन्न करने वाली जन्म देने वाली त्रिदेव जननी नित्य और मूल कारण भी कहते हैं, सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के आठ भुजाएं हैं। कति कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो माता है वह दुर्गा है, और आगे देखना ये क्लियर होगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं, वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाएकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इस दुर्गा ने ही अपने तीन रूप बनाए थे, एक सावित्री, फिर दूसरी लक्ष्मी और तीसरी दो है पार्वती, और तीनों से ब्याह कर लिया था और चौथी वह अलग रह गई थी। तो ये एकाएकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये सदाशिव कहो चाहे न काल रूपी ब्रह्म कहो, ज्योति निरंजन कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है ये सब साथ है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण का या मोक्ष स्थान है जो सबसे ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव, वो पति पत्नी रूप में दुर्गा और ये काल सदाशिव या काल ब्रह्म रूपी ब्रह्म, इसको जो परमानंद स्वरूप है, वह मनोरम अक्षेत्र, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया था। इस काशीपुरी भी कहते हैं इसको। आगे देखो, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर सब इच्छा अनुसार वितरे और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी एक बेटा उत्पन्न हो गया। 102 पृष्ठ पर गणा नहीं पढ़ा, हम इतना बताते हैं। शिव ने कहा वत्स, जो बच्चा उत्पन्न हुआ उसको कहा बेटा। काल ने कहा, काल ने व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, यानी सिद्ध हो गया कि विष्णु जी का पिता शिव युक्त सदाशिव काल रूपी ब्रह्म। जैसा यहां देखिएगा, ये 101 पृष्ठ पे है कि उस काल रूपी ब्रह्म ने, वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं, उन काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म है विष्णु जी का पिता और यह प्रकृति दुर्गा है इनकी मां। ठीक हुआ। अब शिव ने उसका नाम धर दिया विष्णु, ये तो हो गया विष्णु उत्पन्न हुआ दुर्गा और काल से। अब यहां ये छठा अध्याय समाप्त हुआ, सातवें में ब्रह्मा जी कहते हैं देवर से
तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्वोत्पन्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, यानी जिस तरह विष्णु की उत्पत्ति फिर मेरी उत्पत्ति दुर्गा से हुई और काल के संयोग से। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीला पूर्वक वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कार्य है बता। मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। अपनात्मा ये हो गया से अब देखिएगा अध्याय नंबर 9 में और प्रश्न नंबर 110 पे शिव संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता और ये लास्ट में। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब यहां चार हो गए, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीन, और इनसे न्यारा जो है वो शिव, ये गुणातीत माने गए। इन तीनों में तो गुण है, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव शंकर, और ये काल भी शिव रूप विष्णु रूप ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। तो शिव पुराण में जब जिसने शिव रूप में दर्शन करे उस व्यक्ति ने शिव पुराण की रचना की, तो इसको हीरो बना लिया शिव को, सदा शिव काल को। अब यहां ये अनुवाद करता, पीछे तो असमंजस में पड़ गया कि विष्णु शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, लेकिन यहां नहीं छुप पाई इनसे, इन तीनों से अलग है। फिर यह एक समस्या उत्पन्न हुई, कहने लगी तो रुद्र के बारे में कहा है, शंकर के बारे में नहीं। ये समस्या हल होगी, अभी दिखाते हैं 24-25 पृष्ठ 26 पे। एक बार ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई होगी, वो कह मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप, दोनों लड़ पड़े। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण ये 24 पृष्ठ पे, और उसका जब ये दोनों का झगड़ा हो गया विष्णु और ब्रह्मा जी का, तो बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया काल ने, तेजों में स्तंभ पिल्लर खंबा, तो ये दोनों की लड़ाई बंद होगी। फिर वो स्वयं आकर प्रकट हो गया ये 25 पृष्ठ पे। यहां से देखेंगे हम, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, जब ये काल आकर खड़ा हो गया तो दोनों ने आपस में चर्चा की इस काल के साथ। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि पांच कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। तो भगवान शिव बोले, यू काल बोला, आगे ज्यादा ना बताऊं, यहां लेते हैं। अब 26 पृष्ठ पर आ जाते हैं। पुत्रो, ये काल बोलता है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सखीथी नामक दो कृत प्राप्त किए हैं। विष्णु और ब्रह्मा तो यहां तक हो गए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसे ही आकार के मेरे जैसी वेशभूषा वाले रुद्र और महेश्वर में ने, ये मैं नहीं जानने शब्द है, रुद्र और महेश्वर ने दो अन्य उत्तम करते संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्तव्य क्रम को भूले नहीं, इसलिए मैंने इनके लिए उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। अब ये दो तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए और दो ये हो गए रुद्र और महेश, चार हो गए, और पांचवा ये बोल रहा है यो काल है। हमने यही सिद्ध करना था। यहां देखिए मैंने इनके बारे में बता रहा है कि रुद्र और महेश तो मेरे जैसे ही हैं,
इन मेरे जैसे ही ये वाहन रखते हैं, मेरे जैसे ही इनके पास हथियार हैं, वे रूप वेशभूषा कृत्य वाहन और आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। अब ये क्या बताता है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध करने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है ब्रह्म का। मेरी उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिमी मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। ये पांच अकार, अकार, मकार और अकार का और इस उकार, मकार, बिंदु और ये नाद, इन पांचों से मिलकर ये एक ओम मंत्र हुआ। इस प्रकार पांच अवयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नाम एक अक्षर हो गया। अपुण्यात्माओं, इससे फिर गीता जी का लिंक जुड़ेगा। आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, गीता ज्ञान दाता ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके उकार बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तो दंदेहम सयाति परमाम गतिम। तो यहां भी ये कह रहा है कि ओम मेरा एक अक्षर ओम है। अरिश ने देख नीचे नाड़ी ने क्या लिख दिया कि वह आकार रहित अकार आदि मकर कर्म से और मकर मकार आदि कर्म से कर्म से प्रकाश माया। ओम नमः शिवाय यह पंच अक्षर मंत्र है। इस ओम नमः शिवाय में ये अकार मकार नोगे पांच से, और जबकि स्पष्ट कर रहा है कि इस प्रणव मंत्र में, इस ओंकार में ही पांच हैं। ये उत्तरवर्ती मुख से अकार, दक्षिण मुख से पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण से मकार और पूर्ववर्ती से बिंदु, मध्यवर्ती से नाद, ये पांच, इन पांच अवयों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयों से एकीभूत होकर यह प्रणव मंत्र ओम नामक एक अक्षर हो गया। और ये ओम नमः शिवाय इसने लिखा भी अलग भाषा में है, ये राइटिंग में, तो ये मूल संस्कृत में नहीं है, ये मन गढ़ंत है, लोक वेद है, अनुवादकर्ता ने हिंदी वाली में फंसा दिया, लेकिन संस्कृत मूल भाषा में ऐसा नहीं है ये मंत्र। तो अब हमने ये मंत्र मान लिया, ओम भी छोड़ दिया, ओम नमः शिवाय, तो ओम भी माया आ गया, इसके लिए सोच लिया हमने ओम नमः शिवाय, इसकी लाजी रटना। अब इससे ये सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी ये काल रूपी ब्रह्म है जिसको सदाशिव भी कहते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी पंथ पूर्ण रूप से इस काल रूपी ब्रह्म को इष्ट और सुप्रीम पावर मानकर आधारित है, और इसका मंत्र भी उनके पास नहीं है, और इस काल की पूजा में सारी दुनिया को इसके मुख में डाल रहे हैं, भोली आत्माओं को, और उनका जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अपने आत्माओं, प्रसंग चल रहा है, अग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। अब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल इनका पिता है। और इस काल का विधान है कि यहां कोई भी जीव सथाई नहीं है। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ कैसे चला,
अब क्या बताया है कि बिन साहिब की बंदगी के ठोर ठिकाना ना। ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी लेकिन उसका लंबा चौड़ी बहुत बड़ी आयु है। कैसे है? एक चतुर्युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में 43,20,000 वर्ष होते हैं हमारे मनुष्यों के, और ऐसे ऐसे चतुर्युग के 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, 1,000 चतुर्युग की रात। हम सीधा लेते वैसे तो 1,008 होते हैं, तो इस प्रकार 30 दिन रात का बना हुआ एक महीना हो गया ब्रह्मा जी का, 12 महीनों का एक वर्ष हो गया। इस प्रकार 100 वर्ष बने जो इतनी आयु होगी ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना, और विष्णु जी से 7 गुना अधिक आयु है शंकर भगवान की। ये तीनों मरेंगे, उसके बाद 70,000 बार जब ये शिव मर लेंगे, शंकर मर लेंगे, तमोगुण शंकर मर लेगा, काल का पुत्र, इसकी 70,000 बार ऐसे इनकी मृत्यु हो लेगी। इतने ये 83,00,000 योनियों में जा चुके होंगे और नए पुण्यात्माओं को काल अब पत्नी दुर्गा से उत्पन्न करके ऐसे इन पोस्टों पर विराजमान करता रहता है। तो तब एक काल की मृत्यु होगी। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये काल भगवान कहता है, ब्रह्म कहता है, गीता बोलता हुआ श्री कृष्ण में प्रवेश करके कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, मेरा जन्म और मृत्यु जो होता है वो अलौकिक है। कैसे? ये काल जब मरता है 70,000 बार त्रिलोकीय शिव यानी तमोगुण शिव मर लेंगे तब, तो यू एक युग होता है उस अक्षर पुरुष का, परब्रह्म का, जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। ऐसे ही फिर 1,000 युग का दिन, 1,000 युग की रात, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु अक्षर पुरुष की, परब्रह्म की, 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। ये ब्रह्म जो है काल, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको सर पुरुष कहते हैं और इस परब्रह्म को अक्षर पुरुष कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में इन तीनों का विशेष वर्णन है, परम अक्षर ब्रह्म का और इस सर पुरुष और अक्षर पुरुष का। तो ये भी मरेगा। अब ये काल कहता है कि मेरा जन्म और कर्म अलौकिक है। कैसे हैं? कि ये यहां मर जाता है जब 70,000 बार ये त्रिलोकीय शिव जो वर्तमान बैठे हैं, यो ब्रह्मा मरेगा क्योंकि ब्रह्मा जी के 50 वर्ष पूरे हो लिए और 50 और रहते हैं, तो वो भी पूरे होंगे, यू मरेगा। उसके बाद ऐसे 7 और ब्रह्मा को बैठा दिए जाएंगे, फिर विष्णु मरेगा, फिर 7 विष्णु ऐसे मर लेंगे, 7 में ब्रह्मा भी मरते रहेंगे, फिर एक शिव मरेगा, ये शंकर मरेगा, काल का पुत्र। और जब 70,000 बार ये प्रक्रिया होलेगी तब एक काल मरेगा ब्रह्मलोक में, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और ये सभी प्राणी ऑटोमेटिकली परमात्मा परमेश्वर की कृपा से दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे। ये दुर्गा भी मरेगी, काल भी मरेगा और वहां चले जाएंगे। वहां जाकर ब्रह्म और दुर्गा का युवा शरीर ऑटोमेटिकली बन जाएगा उस कबीर परमेश्वर के द्वारा बनाए गए दिए गए वरदान के आधार पर। तो ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म आप जैसे नहीं है, मेरे मृत्यु तो होती है लेकिन मेरी कुछ और प्रोसीजर है जो तुम नहीं जान सकते। तो कबीर परमात्मा ने आके बताया ये तरीका। तो पुण्यात्माओं, जैसे ये ब्रह्मा कुमारी का पंथ चला, श्री लेखराज जी थे, ये श्राप का काम करते थे, सुनार थे बंबई में, और इनके घर पैद के दादाजी पिताजी कोई सत्संग कराया करते, ये भी आके बैठ गए। कुछ देर के बाद इसके अंदर कोई प्रेत प्रवेश कर गया और कह, इनकी स्क्रीप लिखा है कि वो बेहोश होकर पड़ गई, अंगारे से लाल आंख होगी, बहुत देर तक बेसुध रहे सवेरे तक, फिर उठे तो कहने लगे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वो भूत बोला भाई, जैसे यहां कई
बहनों के अंदर भक्तों के अंदर कोई तो कहेगा मैं भैरव हूं भैरव, और कोई भूत जो कहा मैं दुर्गा हूं काली हूं अनुजीव का दो धरे धड़ा फिर सिद्धि हो जाए। वो दुर्गा भी बाज जाए और भैरव भी जाता रहे। तो ये वो भूत बोल रहा था इसमें लेखराज में मैं ब्रह्मा हूं। फिर वो भूत ब्रह्मा क्यों था, क्योंकि कभी वो ब्रह्मा के पद पर रहा होगा, जैसे कोई सरपंच ना रहे और बाद में भी उसने सरपंच साहब कहा करे राजी रहा रहेगा, और वो अपने आप ने भी कोई नहीं पूछा कौन सा था सरपंच था, जबकि वो सरपंच है नहीं, फिर भी क्योंकि और उसे सरपंच कहने लग गए वो एक नाम सा पक गया। तो ऐसे ही ये मृत्यु के उपरांत जो ब्रह्मा विष्णु और शिव जो मर जाते हैं उसके बाद फिर ये किसी में प्रवेश करके क्योंकि पत्थर रूप धारण कर लेते हैं, इनमें फिर भी कुछ पुण्य शेष रह जाते हैं, और फिर उसी में एक दूसरा भूत और आ जाता है। वो कहता अहम शिवहम 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 मैं शिव हूं मैं शिव हूं। वो कहता शिव की पद पर रहा होगा पहले, वो मर गए भूत बन गया। तो पुण्यात्माओं उन भूतों ने यह पूरा बखेड़ा कर रखा है ब्रह्मा कुमारी पंथ का, और ये फिर आप मन ग्रंथ कथा सुनावे हैं। एक बिंदु है निराकार है और बिंदु है, अरे बिंदु निराकार क्यों करोगे, बिंदु रहे बताओ तो निराकार क्यों करोगे, बिंदु का तो आकार होता है। तो पुण्यात्माओं जब आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे ना, उनकी थ्योरी पर हंसी आ रही तुमने कड़ा बच्चों के खिलौने खेल रहे हैं लोग। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना न, जैसे कोई सत भक्ति भी मान ले या ब्रह्म तकी करते हैं, कोई विष्णु जी की पूजा करते हैं मान लीजिए बड़ी बात है, तो विष्णु लोक में गए वहां एक अलग से एक रेस्टोरेंट है, वहां अलग से स्वर्ग बना हुआ प्रत्येक उसमें लोक में, जैसे शिव के लोक में विष्णु जी के लोक में ब्रह्मा जी के लोक में दुर्गा जी के लोक में एक कॉमन स्वर्ग है, फिर इंद्र के लोक में फिर ब्रह्म लोक में भी। तो जो भी जहां की साधना करता है अपने पुण्यों को वहां समाप्त करके वो तुरंत ही वापस आ जाता है, फिर नरक जाता है 84 लाख योनियों में धक्के खाता है भटकता है, फिर चल। जैसे कोई ब्रह्म लोक में चला गया तो वहां हजारों युगों तक अपने पुण्य आधार पर जितना जिसकी पुण्य है भक्ति है उसका आधार सिर्फ ब्रह्मलोक में रहेगा, वहां समाप्त करके अपने पुण्यों को फिर नरक जाएगा, नरक के बाद फिर यही फिर धक्के खाओगा। अब जैसे कोई पुण्य आत्मा है आज और अच्छी पोस्ट है या बढ़िया व्यवसाय है, और वो न सोच रहा है मैं यही डटा रहूंगा मेरी मृत्यु ना हुए, क्योंकि उसको याद भी कोई ना यह बात, और मृत्यु एक सेकंड में हो जाती है, वो सारी उम्र में जो इकट्ठा किया था वो यही रह गया। परमात्मा ने बताया है, परमेश्वर ने उदाहरण दिए हैं कि जो सत्संग में नहीं आते और परमात्मा से परिचित नहीं होते हुए गोबर के भूंड हैं। गोबर का भूंड आपने देखा होगा खेतों में, पशु गोबर कर देते हैं चोट कर देते हैं, और भूंड होते हैं कड़े कड़े, उड़ते भी हैं थोड़ी पंक्षी भी व्याकरण के, और वो क्या करते हैं उस गोबर के ग्रोड़े बना लेते हैं गोड़ी सी, और उसने स्टॉक करते हैं जल में ले जाकर गोबर ने, और सारी रात और सारी दिन इतने वो गोबर खत्म ना हो जाए वो लगे रहा करें ढोहे जाएंगे, इतने बेईमान हो जाते हैं कहीं वो गोबर फिर मिल रहा है कोई ना, और वो गोबर ढोते ढोते गोड़ी बनाते लाके लाते लाते को पशु के पैर के नीचे आके वो दोनों मर जाते हैं, और वो गोबर उड़ा इकट्ठा करा रह जाता है बिल में। तो जो प्राणी परमात्मा से परिचित नहीं है और इस माया रूपी गोबर ने जोड़न में दिन रात लगे रहते हैं, और वो जोड़ा जाड़ा गोबर कहता बैंक में रह जाएगा या किसी ते दे रखा गा वो बड़का देना। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़ुआ लागे, राम नाम कड़ुआ लागे ये मीठे लागे दामे, द्वेदा में दोनों गए भाई माया में लीना राम। एक बार ये दास पंजाब में
तलवंडी भाई एक छोटा सा कस्बा है बरवाले जैसा, वहां मेरे पूज्य गुरुदेव जी का आश्रम, ज्यादातर वो वहीं रहते थे, वहां कुसुर दालू अच्छे थे। वैसे तो उनके कई आश्रम थे, मोगा में थे, नजफगढ़ में था एक, मोगा में था, खन्ना के अंदर भी था और तलवंडी भाई, तो ज्यादा तलवंडी भाई रहते थे। उनके सतलोक गमन के बाद इस दास जी को आदेश दे गए थे वह नाम दीक्षा देने का, इस दास के अतिरिक्त उन्होंने किसी को आदेश नहीं दिया था। तो वहां सत्संग करने जाता था ये दास तलवंडी भाई में, वहां पर दूसरे रविवार को हम सत्संग करने जाते थे। तो वहां कोई बुढ़िया मृगी थी गुरुदेव के भक्तों के परिवारों में, उनके कोई रिश्तेदार आए हुए थे उनका शोक व्यक्त करने के लिए, तो उन्होंने वो शुक्र को आए थे, शनिवार को जाने लगे, तो गुरुदेव के सेवकों ने कहा कि आप रुको, कल संडे है, सत्संग सुनना। और आपने सत्संग बहुत सुने होंगे, लेकिन ये सत्संग भी सुनकर जाइयो आज। उसे परिवार था, कहने लगा मुझे इतना टाइम नहीं है, कल को एक पार्टी आवेगी और उससे मेरा एक कंट्रैक्ट होना है, अनुबंध होगा, एग्रीमेंट, और उसमें मुझे 5 लाख का बेनिफिट होगा। उन्होंने बहुत समझाया, कोई बात ना, कल किस टाइम आओगे? वह अकेले 1:30 बजे, 1 बजे तो चले जाइयो, 9 से 11 सत्संग होगा, यहां से 12:30 खाना खुना खाकर चलोगे तो पहुंच जाओगे 2 बजे तक, की बात है, या संडीगढ़ रही 3 घंटे का रास्ता। ना मान्या, बोला तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता नहीं मेरे बिजनेस का। वो चले गए, दोनों चले गए थे अंबाला के पास, एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था और किसी कारण से उसके पिछले पहिए कंडम हो गए थे, वह निकाल रखे थे, जैक ला रखा था। मारुति कार के अंदर पूरा परिवार था, 2 थे, 2 एक लड़का लड़की थी, और पूरी स्पीड थे, क्योंकि उसने तो 5 लाख दिखे थे, गाड़ी कीते कीते पंजे टेके थी, और उस स्पीड में वो ट्रक के नीचे जा टकराई, इतनी स्पीड तक लगी कि वो जैक भी हट गया, डिग गया, और पूरा लोडी ट्रक, पहले तो ट्रक उस टकरा में मर लिए होंगे, राखी कसर काट दीवा, बजरी का लोडी ट्रक नौका नौ पड़ गया, चारों मर गए। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने सिर पैदर गए। तो पुण्यात्माओं, उनकी दोष नहीं, ये जब तक मालिक परमात्मा का यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता, सबकी नएगी गीवां दे रखी काल में, फिरकी बना रखी है, दिन रात बाजले सपने में भी वो सोचे। तो ये गोबर के भूंड बताए परमात्मा ने, और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं और जिनको वो चतुर लोग जो माया के पुजारी ने सोचे हैं कि तीसरे दिन सत्संग में जाओ हैं, ये तो अपना नाश करेंगे हैं, के दरिया सत्संग में जानते हैं, अपना धंधा क्यों ना करते, और आप जी को वो अनजान लोग मूर्ख समझते हैं और आमुन ने मूर्ख समझे, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया, हमारी आंख बन गई, हमारी ऑपरेशन हो गया मोतियाबिंद का, अकल अलूणे दीखते ये सर्व अकल के मूले, सदा रटे हरि नाम को ये झूले अनहद झूले। परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं ये भक्तों को ये अकल अलूने कहे, क्यों ना तो टिक्की बिंदी लाओ लाली है हमारी बहन बेटियां, ना नाखून पालिस लाना, क्योंकि हम ना छे ना लागे फंड बकवा दे खाम खा के। एक बहन कह रही थी, ने बोली जी मैं एक ऑफिस में नौकरी करती हूं और वहां नो कहे किसी दिन लिपस्टिक वगैरह ना ला कर गई, सारे फंड ना करके गई तो सब चिंतित से होकर बैठ जाते, कम बोले मेरे थे, मैं पहले दिन ऐसे गई, उन्हें सोची कि इसका कोई मर गया, और मेरे तहत धीरे धीरे सहज सहज आकर पूछे क्या बात होगी, और मैं हैरान में भी के बात की, क्या क्या चक्कर है, ये सारे आज अजीबो गरीब तरीके से मेरे से बात कर रहे हैं। तो एक बहन कहने लगी क्या बात होगी, और बोली बात क्यों थी,
कि आप तेने ये लिपस्टिक वगैरह नहीं ला रखी। कहने लगी हमने नाम ले लिया और जहां से मैंने नाम लिया वहां की मर्यादा है, ये नहीं लाऊंग ले। कोई बात हुई फिर मजाक करने लग गए मेरा। तो पुण्यात्माओं तो उन फंड करणिया ने वो हमारी बेटी जो अपना सिंपल वे से रहने लगी वह मूर्ख लगी। अकल अलूने दीखते ये सर्व अकल के मूल और सदा रटे हरि नाम को। ये तो अकल अलूने दिखे बिना अकल के दिखा हम भगत कहते परमात्मा कहते। ये तो सारे ज्ञान की जड़ है, इन्होंने तो कति सब कुछ समझ लिया और परमात्मा की भक्ति करें सतलोक में सुख में सथल में आनंद से झूल झूला करेंगे, वहां कोई कुछ भी तो ना करना। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं एक गोबर का बूंद था और वो प्रतिदिन ऐसे अपना उस काम में खूब बिजी था गोबर इकट्ठे करने में। एक भावरा उसमें जाता था बाग में भावरा, और भावरे जैसा ही वो गोबर का बूंद होता है। अब बाग के अंदर वो भौरा नाना प्रकार के महक लेता सुगंध लेता और वो आकर के उस गोबर के बूंद को देखकर दुखी को कहने लगा रे भाई आ मेरे साथ तुझे बाग में घुमा के लाऊं और वहां से आनंद है ऐसा है। वो बूंद ने कहा तो अपना काम करे तू तो घर तो फालतू और मुझे टाइम नहीं है तेरे जितना जोना लफंडर नहीं हो मुझे बहुत काम है तुझा अपना काम करे। बौरे ने सोचा यो देख नालायक और किस में बिजी हुआ रहा ने सोची एक दिन फिर बैठ गया दो तीन दिन पाछे फिर समझान लग गया। तो तीसरी बार जब मीटिंग हुई तब कुछ बात सुहाएगी उसने उस गोबर के बूंद ने और उनके पास बैठने थे क्योंकि फूलों की गंध महक आवे। तो कहने लगा भाई तू आवे है ना जब है। वो गोबर का बूंद कहता भौरे को आप यहां आते हो ना मुझे आनंद आता है और जहां आप जाते होगे तो बहुत ही अच्छी स्थल होगा। कहने का भाव ये है एक दिन वो राजी कर लिया गोबर का बूंद उस भौरे ने कि तू एक बार बाग में चल मेरे साथ और तेरा कोई बैलेंस काम रहेगा ना गोबर ढोने का मैं मदद करवा दूंगा आके तेरी तू एक बार चल मेरे साथ। वो चला गया। अब उसने तो जाते ही फूल पर बैठा ऐसा बैठा ऐसा आनंद आया उठा को नहीं। अब बौरे ने देखा भाई वो तो शाम का समय हो गया और फूल हो गया बंद फूल बंद हो गया। तो बौरे को तो पता था कि सुबह जिंदा मेरा सुबह पाओगा अब तो यू निकल नहीं सकता। सुबह उसने जाकर क्या देखा कि सुबह कोई फूल तोड़ने वाला आ गया। उसने उन फूलों को चुन लिया। वो पता होता था कि ये थोड़ी धूप खलते ही खिल जाएंगे पता होता उनको। वो ले गया उन फूलों ने कुछ बंध्या ने कुछ खिले हुए ने और उसने अपनी पूजा पाठ करके वो गंगा में बहा दिए। वो बौरा आया बौरा ने देखा भाई फूल टूट गया ये बिरने कीत पड़ा होगा। वो उसने जाके देखा पहले तो उस धार्मिक अनुष्ठान पर गया जहां वो क्रिया करी थी उन्हें फिर देखा वह फूल वह रखे थे वहां उसमें जाकर देखा वो फूल खिल गया और वो बौरा वो बूंद उस पर बैठा फूल पे। जब वो बौरा बोला रहा आ जा डूबेगा तो उठे मेरे साथ आ जा तब उठकाया। तो कहने का भाव ये है वो बूंद ने बोला रहा मैंने तो मैं जीवन खो दिया भाई सारा गोबर इकट्ठा करके और सुख तो मैंने आज आया जिंदगी में मेरा बता टह नहीं गया इस तरह से। तो पुण्यात्माओं जो पुण्यात्मा इस संसारिक धंधे फाइनल माइंड रहा है और जो इस सत्संग के सुख से एक विपरीत हो जाता है फिर वो बूंद की तरह अटक कोई नहीं यहां से क्योंकि ये सुख न्यारा है और वहां सुख है ही नहीं वो तो एक ब्रह्मवाटी है वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। लेकिन परमेश्वर ने ये बताया कि उस प्रारब्ध कर्म करते करते इस मालिक के लिए भी थोड़ा समय निकालो। असंग जन्म तन मृत्या हो गए जीवित क्यों न मरे रे द्वादश मध्य महल मठ बोरे बहुर न दे धरे रे। यहां आने के लिए आप जी ने परमात्मा के इन फार्मूलों को अप्लाई करना पड़ेगा। जीवित मरण का अर्थ होता है एक तो ये होता है कि
मन चाहता है विकार करना, गुटी शूटी लाना, पता नहीं के इसके अवाइकले होते हैं, बीड़ी शराब मास्टमा को सांग सिनेमा देखना, किधर गप्पे आंकना, ताश खेलना, सिनेमा देखना, इनसे मन हटा लेना भी जीवित मरना है। और दूसरा मरना यह है कि मान लीजिए जैसे एक व्यक्ति जा रहा था नाइट सर्विस में और सुबह उसने वापस आना था, कोई विशेष काम था, और वो नाइट सर्विस वाली बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, उसकी मृत्यु होगी उस व्यक्ति की। अब जो व्यक्ति रात में ट्रेवल कर रहा है तो कितना स्पीड होगा उसके काम की, कितना जल्दी थी उसको वापस आकर मैं ये करूंगा और वो करूंगा। अब उसका काम तमाम हो गया, अब वह जल्दी भी रहेगी और काम भी रह गया, कदे नहीं जा सकता, कभी नहीं कर सकता। तो परमात्मा कहते हैं जब आप यहां आने की सोचो तो उस समय ये मान लीजिए आज मेरी मृत्यु हो जाए, और फिर कौन करेगा इस काम ने जिसके ऊपर मैं इसे अनमोल स्थान पर जाने से बाधित हो रहा हूं, वंचित हो रहा हूं। तो नो सोच ले मैं मर गया और चाल देखी जाएगी, तीन दिन के लिए, चार दिन के लिए, दो दिन के लिए, एक दिन के लिए मर के देख लो। अब ये तीन दिन हम मर के आगे न सोच ले मर गए, जीवित मर गए, और इस तीन दिन में या दो दिन में चार दिन में जितने दिन आप रहोगे, जितना भी कोई काम आपका खराब शराब आप मानते हो हानि होगी तो फिर पूरी कर लेंगे अपना लागे लोग, क्योंकि पहुंच गए हम दोबारा, तीन दिन मरे, और यदि परमानेंट टिकट कट जाए तो क्या कर लेंगे, तो भी तो काम रह जाएगा। तो इस प्रकार इन फार्मूला ने अप्लाई करके और आंख मीच कर चल पड़े, तब यहां आया जागा ना काल कति नहीं आन दे। कहते हैं मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काणे, और संत मिलन को जब चले है ये अटकाव है आने, इनका अटकाया अटके नहीं जो संत मिलन को जावे, कहे कबीर सो संत है वो आवागमन न सावे। मात पिता सुत बेटे न कहे स्त्री, आलस यानी लेजीनस आलस कर जा, और बंधु कान लोकलाज, ये बाधक है जब संत मिलने को चलता है तो ये अटकाती है, इसको रोकती है, बाधक बनते हैं। कई जवान बच्चे आते हैं, मेरा पिताजी स्वयं दारू पीवे शराब पीता है, और मुझे नहीं होगा तो सत्संग जागा तने काट दूंगा, तने पीटूंगा, और ऐसा ही करता है, और मैं आता हूं मैं रुक नहीं सकता। ऐसे कई बहन है वो कहती मेरा पति दुखी करता है, मारपीट करता है, और फिर भी मेरे पर रुका नहीं जाता। ऐसे कई भक्त कहते हैं मेरी पत्नी ने कहा जहर खाकर मर जाएंगी जब तू सत्संग में गया था, अब बता क्या करें। लेकिन फिर भक्त कहता भाई मर चाहे जी गलत जगत में जाता ना, और अब तो मेरा समझ में आ गई। तो यहां फिर कहीं बंधु कान यानी लोक लाज, कुल परिवार के लोग कहने लग जाएंगे, एक पड़ोस में बैठकर चर्चा करेंगे, भाई दोहरा करेंगे इनका इन अक्ल मारी जा रही है, ले है तीसरा दिन जोड़ा ठाव बैग ठाव और चलो सत्संग में जा रही है सत्संग में, कि कह दे रहा है इनमें ये तो हाँ। तो एक भगत कह रहा था मैं सत्संग का नहीं चल जाना, और मेरे वो दारू पीने मित्र ने कहा अच्छा नो सचू ये खाकर चली बिल्ली हजकू, तो मैं उनको नोकू भाई मैं अब हम तो चल तो पड़े हजकू तुम चले भी नहीं हजकू, तुम अब भी बन रहे बुरे कर्म करना है। उनकी बातों में उनकी मजाकों में उनके द्वारा दिए गए ये टॉन्ट सहन करता हुआ परमात्मा की जो इस वाणी कसक मन रुकन नहीं देती। जिस बुजुर्ग के बेटे सियाणे हो जाए बड़े हो जाते हैं मात पिता के, वो लोक लाज के कारण बच्चों में कहने लग जाते हैं दूसरे लोग,
के पा गया तेरे, हमारा एक रिश्तेदार था उसने नाम ले लिया, एक पाठ कराया, हम घर घर जाकर पाठ कराया करते। अब पाठ कराया तो वो बालक सियाने हो रहे थे, उनके पड़ोसिया ने नोट बका दिया, उनके बच्चे कहने लगे भाई तेरा बाबू तो पागल हो गया पिताजी, और यू थारा नाश करेगा, देख ला दिए 2000 रुपये, अरे देख लिए तो मेंटल हो लिया। अब वो इसे पीछे पड़े, उसका नाम भी छुटवा दिया और करते बाहर लकड़ने पर भी प्रतिबंध ला दिया। वो ढीला आदमी था, ज्ञान समझा नहीं था, वो टाण कर गया। तो कहते हैं मात पिता सुत स्त्री, आलस बंधु कान, और सतगुरु मिलन में जब चला ये अटकावा आण, इनका अटकाया अटके नहीं, और सतगुरु यानी संत मिलन को जा, कह कबीर सो संत है वो आवागमन न सावे। तो इस प्रकार जब हम परमात्मा के मार्ग पर प्रस्थान करते हैं तो इस तरह की बाधाएं भी हमारे को आती हैं, लेकिन इनको हमने चीरते हुए आगे चलना पड़ेगा। तो जैसे मीराबाई जी थी, उनको बहुत कुछ लोगों ने भला बुरा भी कहा, लेकिन उसके आवाज समझ में आ गई थी। वो यही कहा करती कि भाई इब चाहे मुझे बुढ़ी कहो चाहे गुंडी कहो, मेरे तो यह बात समझ में आ गई और मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती। को असंग जन्म तन मर्चा हो गए जीवित क्यों नाम रह रहे, और द्वादश मद महल मठ बोरे फिर बोहर ना देख रहे। तो इस प्रकार के फार्मूले अप्लाई करके हम यहां आ सकेंगे और अपने जीवन को सफल बना सकेंगे। परमात्मा कहते हैं कि जब ये लोक लाज के कर लेगा तू चार पाया का हो। परमात्मा कहते हैं अब तो तू लोक लाज में भाई कुल बंधुओं की बात तन मानकर सत्संग नहीं सुनेगा, और फिर तू गधा बन जाएगा चार पाया का, फिर ये लोक लाज के करेगी तेरे ऊपर बैठेंगे ये लोग। तो अपना पीछा छुटवाना है तो परमात्मा के द्वारा दिए गए इस ज्ञान को स्वीकार करना होगा। पुण्यात्मा अब क्या था कि आग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। अब जैसे आप जी यहां हो, आपके पास बहुत अच्छी कोई संपत्ति भी है, माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, और कल मृत्यु होगी, होगी तो कहेंगे उठाओ 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 जल्दी करो जल्दी करो, और 2 घंटे भीतर शमशान घाट पर फूक फाक कर फारिग हो जाएंगे, रोने वाले रोने जाओ, और वो चला गया ऊपर मनमाना फिक्रा किट गए कि यो नीम जागा, और 500 उसके और नरे लटोटर शुरू कर देंगे। अब वो मान लीजिए को पुण्यात्मा भी था और मृत्यु होगी, वो चला गया स्वर्ग में, जब स्वर्ग में पुण्य समाप्त हो गए तो कहेंगे वहां से भी समाप्त होते कहेंगे चल नरक में, अब नरक का समय समाप्त होगा वहां से कहेंगे चल गधे की योनि में, अब गधे का जीवन पूरा होते हुए चल कुत्ते की योनि में, और फिर 84 लाख योनियों में धक्के खाकर फिर मनमाने फिर मनुष्य जीवन आ जाए। ब्रह्म लोक तक भी गए हुए प्राणी वापस आते हैं, और इस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्म लोक फाइनल प्लेस है इनका, और ये सबसे अंतिम सुख में सफल है, और वहां जाने के बाद भी फिर भी चलो चलो केवल सतलोक में जाकर के यहां चलो चलो समाप्त होगी। अग गए ना बावड़े रहते भी सब जा, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। बिन साहेब यानी परमात्मा सतपुरुष की भक्ति के बिना कहीं ठोर ठिकाना ना, कि तो सथाई सथल नहीं है। पुणात्मा उस सथाई स्थान को पाने के लिए जो श्रीमद भगवद गीता का ज्ञान दाता ब्रह्म कहता अर्जुन यदि तुम्हें पूर्ण मोक्ष चाहिए उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर, फिर वो जो तुम्हें ज्ञान दे उसके आधार से
उस परमात्मा की प्राप्ति कर। गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति, यानी वहां चलो चलो समाप्त हो जाएगी और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थान को प्राप्त होगा, फिर तेरी कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अपने विषय में चौथे अध्याय के पांचवें और नौवें श्लोक में, दूसरे अध्याय के बारहवें श्लोक में अर्जुन गीता ज्ञानदाता कहता कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू भी मरेगा मैं भी मरता हूं। ये अरहट का कुआ लोई यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता सरता देख्या हरहट डोर कहू सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहावे हरहट डोर बंधे सब आवे। 600 साल पहले परमात्मा ने कहा था ये तेरे चतुर्भुजी भगवान कहावे ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये भी जन्म मृत्यु के इस चक्कर के अंदर हजारों बार धक्के खा दिए, भटक दिए। अब 600 वर्ष पहले ये बातें इतनी कड़वी लगी उन अज्ञानी संतों के अज्ञान के कारण, हमने परमात्मा को स्वीकारा नहीं। आज वही ज्ञान है आप जी को स्वीकारिए हो रहा है क्योंकि आप शिक्षित हो गए, और ये शिक्षा मालिक ने इसलिए दी है कबीर जी ने कि मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। अब ये पीक टाइम है, ये भक्ति की युग है, भक्ति काल शुरू हो गया, भक्ति का समय शुरू हो गया। यह बिजली पीढ़ी है, पहले जब परमात्मा आए थे कलियुग के प्रथम चरण में, मैं घर से गए थे, वह शरीर धर्मदास जी को मिले थे, तब कहा था धर्मदास जी इस ज्ञान ने लिपिबद्ध कर ले और अभी इस मूल ज्ञान को किसी को समझाना नहीं, अरे मेरे वाला ज्ञान किसी का समझ माव को ना, बिना समझाए बिना मेरे बिना, परमात्मा कहते। और धर्मदास तो लाख दोहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, और मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी या बितली पीढ़ी हंस नहीं तरी, और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिट जाए। काल ने कहा था परमात्मा से सतयुग में, प्रथम सतयुग में कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समय ही, और अनेक पंथ चलाऊं और नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं। कहते हैं एक तो 12 पंथ तो कबीर पंथ में चलाऊंगा और उसके बाद ये और पंथ काल के नरेश लाऊंगा, जैसे राधा स्वामी पंथ, दंदन सदगुरु पंथ, यो जय गुरुदेव वाला पंथ, यो निरंकारी पंथ, ये सारे काल के पंथ है, और इनके संतों को कह कह का भी नहीं पता सतलोक के बारे में, और ये महिमा सतलोक की गांव है। अपुणात्मा यहां बात आकर जाती है कि भाई ये दास ये जो बात कह रहा तो है तो सच्ची कति सत्य है, लेकिन यह सच जचे को नहीं, इसको जताने के लिए थोड़ा सा और लालटेन दिखानी पड़ेगी।